प्रशासन जिम्मेदार है राज्य में गुंडे। उनकी ये टिप्पणी मुंबई में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मॉरिस नोरोन्हा द्वारा फेसबुक लाइव के दौरान शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद आई। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के आशीर्वाद से माफिया राज चल रहा है। महाराष्ट्र के सीएम के आवास पर एक गिरोह के सदस्य आते हैं और चाय पर चर्चा करते हैं। देवेंद्र फडणवीस गायब है, सीएम के साथ चाय पी रहे हैं गुंडे। शौर्य और पराक्रम में कोई भी भारतीय कभी संदेह नहीं करता। मुझे स्वयं 5 जनवरी को लखनऊ में नौ ईयर आर्मी फेस्टिवल के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। 14 जनवरी को भारतीय सेना के वीरता पदक विजेताओं के स्वागत समारोह में भी मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव का प्रतीक है। देशवासी इसके शौर्य और पराक्रम को न केवल जानते हैं बल्कि उसके टूट विश्वास भी रखते हैं। भारतीय सेना का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमारे सैनिकों ने युद्ध काल और शांति काल में देश की रक्षा और सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने जीवन की परवाह किए बिना सेना के बहादुर जवानों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में दुर्गम स्थानों पर रहकर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सदैव रक्षा की है। उत्तर प्रदेश वीर भूमि है। इधर की महान क्रांतिकारी मंगल पांडे, झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई, शहीद चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, हसबाउल्लाह खां, वीर हमीद की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अनुशासन,